वृश्चिक राशि 15 से 21 मई, जो 15 से 21 मई का समय है वो जातक के लिए सामान्य रहेगा, कुछ दिन अच्छे होंगे तथा सामान्य रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर हम जाने तो मास आरंभ में स्थिति कैसी बन रही है। शनि कुंभ राशि के होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है, जो कि धन के नजरिए से थोड़े शुभ नहीं होते। राहु, बृहस्पति, बुध, सूर्य मेष राशि के होकर षष्ठम भाव में विराजमान है। शुक्र वृषभ राशि के होकर सप्तम भाव में है। मंगल मिथुन राशि के होकर अष्टम भाव में है। चंद्रमा सिंह राशि के होकर दशम भाव में है। केतु तुला राशि के होकर 12वें भाव में चलायमान है। 15 मई का समय जातक के लिए उत्तम है, यह जातक को उन्नति दिला सकता है। 16 मई को दैनिक कार्य पूरे होंगे, बिखरी योजनाओं को समेटने में सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ बहुत अधिक नहीं होगा, पर योजनाएं सफल होंगी। अटका कार्य पूरा होगा, कानूनी मामले सुलझ सकते हैं। 17-18-19 को मांगलिक खर्च की संभावना है, जो कि अच्छा माना जाता है। मन में कुछ दुविधा रह सकती है, जिससे फैसला लेने में मुश्किल होगी। बड़े फैसले लेने से यहाँ पर थोड़ा सा बचें तो अच्छा होगा, किंतु अपनों व बड़ों से समझदारी से सलाह लेकर आप कार्य कर भी सकते हैं। वैभव के सामान पर खर्च होगा, सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर खुशी मिलेगी। 20-21 को समय अच्छा है, नए संपर्क कैरियर की नई गति देंगे। खान पान में लापरवाही नहीं करें, अर्थात अन्यथा स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। सही वस्तु का चुनाव आप यहां पर करने में सफल होंगे, परंतु इस पूरे सप्ताह में आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अत्यधिक खर्चों की संभावना है। आप यहां पर बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं तो आपके लिए लाभप्रद होगा, तथा बंदरों को यहां पर आप केले भी खिला सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा।